भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का हुआ जोरदार सम्मेलन। हमीरपुर मौधा पांडव गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का सम्मेलन एवं जन प्रतिनिधियों की जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। युवा मोर्चा सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्रीमती प्रियंका रावत, पूर्व सांसद, प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी प्रभारी, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र उपस्थित रही। युवा सम्मेलन में हजारों की संख्या में आए क्षेत्र से युवाओं का जोश देखते बना आज भारतीय जनता पार्टी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए गांव से आने वाले लोगों को सम्मान देकर सरकार की सभी सुविधाओं से रूबरू कराने का कार्य कर रही है। इस युवा सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि शिवबीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सुनील साहू, क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा शिवेंद्र सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला प्रभारी रंजना उपाध्याय, विधानसभा प्रभारी अनूप अवस्थी, सांसद पुरुष केंद्र सिंह चंदे, सदर विधायक युवराज सिंह, राठ विधायक मनीषा अनुरागी जी, जिला अध्यक्ष ब्रिज किशोर गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष आकाश त्रिपाठी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सम्मेलन में सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने उपस्थित सभी युवाओं को 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा। इसी प्रकार प्रियंका रावत ने उपस्थित युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देखकर कहा कि हमको आगामी 2022 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों से विजय प्राप्त करना है। युवा मोर्चा कार्यक्रम में रामदेव सिंह, जगदीश प्रसाद व्यास, अरुण सिंह जिग्नी, शिव प्रकाश सिंह सिंगर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, आराधना राजपूत, अनीता राजपूत, आशीष निगम, अरविंद श्रीवास्तव, हर्षित गुप्ता, युवा मोर्चा जिला महामंत्री अभिषेक तोमर, राजीव आर्य, मोहित साहू, ब्लॉक प्रमुख लाला राम निषाद, जिला महामंत्री रोहित शिवहरे, विशेष नायक सिद्धार्थ पाठक, मोहित गुप्ता उपस्थित रहे। हमारे शिवेंद्र भैया ने, वीर भैया ने लगभग दो दो तीन तीन लड़ते हुए पूरा जोड़ लिया। ज्यादा कुछ कहूं ही नहीं क्योंकि 11 बजे से समय ये चल रहा है कार्यक्रम, 1 बजे का मुझे समय पता था। बस दो तीन बातें ही मैं कहूंगी। अगर देश को विश्वगुरु बनाना है तो अपने अंदर एक आग लगाकर रखनी होगी और इस आग को तब तक नहीं ठंडा होने देना है जब तक देश को विश्वगुरु ना बना ले। आप याद करो वो समय 2014 से पहले का और आज उसको तुलनात्मक दृष्टि से आज आप देखिए 2021 चल रहा है, 22 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और इस 22 को और 14 और 14 से पहले 12, 12 से पहले और समय को आप अगर तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा देश की हालत क्या थी। आप उस समय को याद करिए जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जब विषय रखा था कि देश के लिए जब बजट तैयार होता है उस बजट तैयार होने के बाद में देश की जनता तक, क्षेत्र तक, गांव तक पहुंचते पहुंचते पैसे की कीमत कितनी कम होती चली जाती है, पैसा कितना बचता है। और ठीक यहीं पर ये दर्द उन्होंने अपना बयान किया और यही बात को अगर आज आप देख लीजिए 2014 से 2021 और उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मन से मैं कहकर जाती हूं इसमें कोई दोराय नहीं, किसी और के दम पर नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता के दम पर जो विश्वास, जो योग्यता भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुशल नेतृत्व से लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है उस योजनाओं पे अगर नजर अगर डाली जाए, चाहे वो शौचालय की हो, चाहे जनधन की हो, चाहे उज्ज्वला की हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे युवाओं के सम्मान को लेकर हो, या किसानों के सम्मान को लेकर हो, या महिलाओं की सुरक्षा से लेकर हो, या बहन बेटी
उनकी योजनाओं में महिला सशक्तिकरण से लेकर शिक्षा नीति से लेकर के हर तरफ से अगर आप देखेंगे, अगर किसी के लिए भी अगर पूर्ण तरीके से अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार बनी और 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश सुखद के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। ये कहने की जरूरत नहीं है युवा मोर्चा का ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 2022 के चुनाव में अपने अपने बूथ पर ताल ठोक कर खड़ा हो जाए और सीना चौड़ा कर उसका रौब देख कर खड़ा हो जाए तो कहने की जरूरत नहीं है। दूसरे दल के लोग कार्यकर्ता तो कुछ बचे ही नहीं, दूर खड़े हो जाएंगे, भाग के खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। ये वीरों की भूमि है, योद्धाओं की भूमि क्या है। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत करने वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के अच्छे होते हैं कर्म उनके जीवन में कभी अंधेरा अंधेरा होता अंधेरा नहीं होता। अंधेरा शब्द जितना कसकर आप बोलेंगे, विपक्ष की हालत वैसे भी बहुत पतली है और मैं चाहती हूँ ज्यादा पतली मत करिए। बस उनके अंदर कितना ही खौफ युवा मोर्चा युवा सम्मेलन के माध्यम से कितना बन जाए कि आगे अभी लड़ाई है। कहाँ पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है, कहाँ पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में युवाओं की आवाज बचा नहीं है बोलने के लिए। लेकिन वीरों की योद्धाओं की ये भूमि रही है। अगर युवा मोर्चा का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें भी अगर सब्र न रखा जाए और वीरों की भूमि पर तो उसको क्या समझा जाए। युवा मोर्चा का मतलब हो गया उसके अंदर वो बलि की ताकत, उस ताकत को जब वो मुट्ठी में बदले तो इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अपनी छाप छोड़ दे। ये होता है युवा मोर्चा। आज हमीरपुर जनपद में युवा सम्मेलन, मैं यहाँ पर युवा सम्मेलन इसको नाम दूं या 35 साल की उम्र के लोगों को युवा बोलूं या 35 साल की उम्र के लोगों को युवा बोलूं, लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूंगी इस प्रांगण में जितने भी इस मंच से लेकर बाहर तक जहां तक आवाज जा रही है और जो भी सुन रहे हैं सम्मानित चाहे कोई भी व्यक्ति हो उस सम्मानित क्षेत्र की जनता को मैं युवा ही बोलूंगी क्योंकि वो परिवर्तन करने का दम रखती है। ऐसे हमारे युवा मोर्चा के सम्मेलन में इस मंच पर विराजमान होंगे और लगातार भारत राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं अपने देश के लाल किले के प्राचीर से। जब उन्होंने 2014 में पहला भाषण दिया था तो बंधुओं इस देश के हर वर्ग की बात उन्होंने की थी। हमारे इस देश के इतने बड़े विशाल संख्या के चाहे नौजवान हो, युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे देश की आधी आबादी रहने वाली महिलाएं हो, चाहे इस देश की बेटियां हो, सबकी बात उन्होंने की थी, चाहे इस देश के गरीब हो। और आज 2014 से लेकर बंधुओं 7 वर्ष हो गए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस उम्र में भी युवा जोश के साथ पूरे भारत देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप युवा बैठे हैं टीवी पत्रिका में। आगामी समय में विधानसभा का चुनाव लगा हुआ है, युवा कंधों पर चुनाव की विशेष जिम्मेदारी होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि 2014 से पूर्व केंद्रीय सरकारें नहीं थी, केंद्रीय सरकारें थी तो, लेकिन भ्रष्टाचार की सरकार थी, घोटाले की सरकार थी, झूठ की सरकार थी, लूट की सरकार थी। 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार बनती है और प्रत्येक वर्ग के लिए
केंद्र की सरकार ने विकास की नदियां बहा दी। वो हमारा युवा वर्ग को सरकारी नौकरी, युवा वर्ग के कल्याण के लिए रोजगार में अवसर, युवा वर्ग के कल्याण के लिए रोजगार में अवसर के लिए मुद्रा योजना स्किल इंडिया। इस युवा सम्मेलन में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री ब्रजकिशोर गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री बाराबंकी से पूर्व सांसद रही हमारी छोटी बहन प्रियंका रावत जी, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री शिवीर सिंह भदौरिया जी, हमारी इस जनपद की प्रभारी आदरणीय श्रीमती रजिना उपाध्याय जी, हमारे हमीरपुर सदर के विधायक आदरणीय श्री युवराज सिंह जी, महोबा के जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जेपी अनुरागी जी, कल्पना तक नहीं थी की होगी कि राम मंदिर कभी बनेगा। प्रयास जारी था, लड़ाई निरंतर जारी थी और जो वादा किया था पार्टी ने वो बना के काम बनाने काम किया है। और साथ ही साथ बनारस में जो कॉरिडोर तैयार किया, मेरे ख्याल से अभी तो इसके लिए अभी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने हमारे कर दी और बना करके सबके सामने पेश भी कर दिया। बहुत सारी योजनाएं जो आप रोज देखते हैं, जिनके उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं उत्तर प्रदेश में आकर के, अभी कल कानपुर थे, कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, कोई ना कोई नई योजना लेकर के जनता के लिए आते हैं। और वो उनकी घोषणा पत्र में नहीं थी सारी चीज, उसके बावजूद भी उन्होंने उस काम को करने का काम किया जिसकी हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये हो सकता है, जिससे जनता को लाभ मिल सकता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे मानदेय बढ़ाए शिक्षकों के, बहुत सारे गरीब लोगों को रोजगार देने का काम किया, तो एक तरफ मकान देने का भी काम किया, तो दूसरी तरफ स्वच्छ शौचालय का भी देने का काम किया जो उनके शायद मैनिफेस्टो में नहीं था। तो ऐसी सरकार निरंतर आपके साथ है और उनका हाथ आपके और हमारे ऊपर है, तो हम लोगों को आगे बढ़ना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ भौंकने क्या लगा, बोला कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, दिल्ली में बोल के आया भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। फिर यूपी में आया, योगी जी ने पूछ लिया पूरे क्या बोल रहा था दिल्ली में, क्या नहीं बोलेगा, बोला भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनमें कोई कम नहीं है, इनकी पीड़ा है और ये वो कीड़े हैं जो बिलबिला रहे हैं। बिलबिलाते कैसे, तीन तलाक पे भी बिलबिलाए। आज ही के दिन 2018 में हमारी मुस्लिम बहनों को आजादी मिली थी और तीन तलाक का बिल पारित हुआ था। अभी एक बिल हाल ही में माननीय मोदी जी ने बाल विवाह अधिनियम 2006 पे संशोधन करते हुए ये तय किया कि अब किसी भी बहन की, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी भारत की बेटी की अगर विवाह होगा तो उसकी उम्र 21 साल होगी। तो हैदराबाद से आके मवेशी यहां बिलबिलाने चिल्लाने लगा, बोले तो उम्र बढ़ा दिए। लोगों ने पूछा क्या दिक्कत है, तो दिक्कत बताते कैसे, वास्तव में दिक्कत क्या है मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं। ये 14 साल की बच्ची को 40 साल के चच्चा की चच्ची बना देते थे, लेकिन अब जैसे ही माननीय मोदी जी ने बिल पारित किया है तो इनकी औकात नहीं है कि किसी बालिका को 40 साल के चच्चा की चच्ची बनाएंगे।